कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। हम लोग भारतीय समाजशास्त्री के उनके सिद्धांत तथा उनका जो लाइफ स्केच है उन्हें देख रहे थे, तो उसी के अंतर्गत आज हम लोग डीपी मुखर्जी के बारे में देख जानेंगे, जिनका की पूरा नाम है द्रुजटी प्रसाद मुखर्जी। उनका भारतीय समाजशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और उनकी क्या विचारधाराएं हैं, उनके क्या सिद्धांत हैं, उसे हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ये जो वीडियो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे वो यूजीसी नेट हो का एग्जाम हो, जीडीसी जीआईसी का एग्जाम हो, उसमें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास को लेट न करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। द्रुजटी प्रसाद मुखर्जी, जिनका की हम लोग डीपी मुखर्जी के नाम से भी जानते हैं, इनका जन्म हुआ था 1894 बंगाल में और इनकी मृत्यु हुई थी 1962 में। बंगाल में जन्म होने के कारण द्रुजटी प्रसाद मुखर्जी के जीवन का, उनका जो जीवन था उसके ऊपर उस समय के जो तत्कालीन कवि थे, साहित्यकार थे, उनका बहुत ही ज्यादा प्रभाव था, जिसमें कि सबसे अग्रणी थे रविंद्रनाथ टैगोर, उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन सबका उनके जीवन चरित्र पर बहुत ज्यादा योगदान था। द्रुजटी प्रसाद मुखर्जी को, डीपी मुखर्जी को नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, क्रांति दूत भी कहा जाता है। किसे, अगर आपको ये पूछा जाए कि नव जागरण का क्रांति दूत किसे कहा जाता है, तो द्रुजटी प्रसाद मुखर्जी को, डीपी मुखर्जी को उनका नव जागरण का क्रांति दूत कहा जाता है। चलिए अब इनके बारे में हम उनके थोड़े जीवन परिचय को देखते हैं, इनका लाइफ स्केच। 1918 में उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने हिस्ट्री में एमए किया था और फिर दो वर्ष के बाद 1920 में इकोनॉमिक्स से कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्होंने फिर एमए किया। उसके बाद 1922 में लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्होंने इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी के प्रवक्ता के रूप में, मतलब लेक्चरर के रूप में उन्होंने कार्य किया। पूरे 30 वर्षों तक उन्होंने प्रवक्ता के रूप में वहां पे कार्य किया था। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि समाजशास्त्र पहले एक अलग विषय नहीं था, लेकिन जब समाजशास्त्र को एक अलग दर्जा दिया गया, देखा गया कि समाजशास्त्र का समाज में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, इसके लिए एक अलग से विभाग बनाना चाहिए, तो सर्वप्रथम इसकी रचना की गई थी कलकत्ता विश्वविद्यालय में। उसके बाद फिर जब लखनऊ विश्वविद्यालय में इसकी समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा, तो वहां पर उन्होंने 30 वर्षों तक इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी पे उन्होंने वहां पे सब विद्यार्थियों को अध्ययन करवाया था। उसके बाद उनका हम एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, उनका जो प्रथम लेख था जिसका की नाम था उद्योग में प्रजातंत्र, उन्होंने हेग यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी डीपी मुखर्जी ने काम किया है। फिर उन्होंने 1855 में भारतीय समाजशास्त्री परिषद, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसकी उन्होंने स्थापना की और इसमें उन्होंने अध्यक्ष के रूप में काम किया। अब इनके कुछ मेन वर्क्स की तरफ देखते हैं। यूं तो डीपी मुखर्जी ने टोटल 19 बुक की रचना की थी। कितनी बुक की रचना की थी? टोटल 19 बुक्स की रचना की थी, जिसमें से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट 5 बुक्स को लिए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो पहला बुक है हमारा समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएं, जो कि 1932 में प्रकाशित हुई थी, यानी कि बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ सोशियोलॉजी 1932 में। सेकंड बुक है आधुनिक भारतीय संस्कृति, 1942 में हुई थी, यानी कि मॉडर्न इंडियन कल्चर। थर्ड बुक है भारतीय युवकों की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ, ये भी 1942 में इसकी रचना की गई है। फोर्थ बुक है विचार और प्रतिविचार, ये 1946 में रचना की गई है। फिर है विविधताएं, जिसे जो कि 1958 में रचना की गई है, जिसे कि हम डाइवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इनके, डीपी मुखर्जी के कुछ प्रमुख कथन को देखते हैं। इनका जो सिद्धांत था वो किस रूप में था, इनकी जो विचारधारा थी वो कौन सी विचारधारा थी? मार्क्सवादी विचारधारा थी। मार्क्सवादी विचारधारा समाजशास्त्र के जितने भी क्षेत्र, उसमें दो प्रकार की विचारधाराएं मौजूद है, एक मार्क्सवादी विचारधारा, एक है संरचनात्मक विचारधारा। तो संरचनात्मक जो विचारधारा है वो कहता है कि समाज में जितने भी उसके समितियां हैं, इसके जितने भी रूप है, सब अपने में आपस में सहयोग करके कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये जो संरचनात्मक परिपेक्ष के जो अवधारणा है वो बताता है। इसके उल्टा जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो बताता है कि समाज में जो अवधारणा है, जो भी प्रतिमान विद्वान है, उनमें आपस में संघर्ष विद्यमान है। तो डीपी मुखर्जी भी मार्क्सवादी विचारधारा के पर अगुवाई थी। इन्होंने परंपरा तथा एवं आधुनिकरण का
संबंध बताया था। तो इसी के संदर्भ में उनका जो प्रसिद्ध कथन है कि समाज शास्त्र को अपने आप को किसी लोहे के पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, यह कथन किसका था? तो डीपी मुखर्जी जी का था। यानी कि समाज शास्त्र क्या है, एक ऐसा विषय है जिसमें कि हम लोग नए नए आधुनिक चीजों को उसमें समाहित कर सकते हैं, पुराने परंपराओं के आधार पर ही इसे नहीं रखना चाहिए। सेकंड है, परंपराओं को छोड़ नहीं सकते लेकिन आधुनिकता से मुंह नहीं। उन डीपी मुखर्जी की जो विचारधारा थी परंपरा एवं आधुनिकीकरण, इसमें वो बोलते हैं कि परंपरा को तो हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि परंपरा ही हमारे मानुष जीवन का मुख्य आधार है, लेकिन क्या हम आधुनिक नहीं हो सकते, हमें आधुनिक बनना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि पहले के समाज में क्या था कि लोग धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन अभी क्या है, अभी के सबको पहन के रहते हैं नहीं। उन्होंने आधुनिकीकरण से संपर्क करके, पश्चिमीकरण से संपर्क करके जींस पैंट पहनना स्टार्ट किया, हाफ पैंट पहनना स्टार्ट किया। तो क्या हम लोग अपने परंपरा को छोड़ दिए? ये तो नहीं छोड़ेंगे, हम बड़ों को आदर नहीं करेंगे, बड़ों को देखे प्रणाम नहीं करेंगे, वो भी हम कर रहे हैं, लेकिन क्या हम जींस भी पहन रहे हैं? तो मार्क्सवादी जो विचारधारा था, मार्क्सवादी विचारधारा का क्या अर्थ होता है कि वाद, प्रतिवाद और संवाद के अर्थ में होता है, जिसे कि द्वंद्वात्मक उपागम भी कहा जाता है। तो वाद, प्रतिवाद, संवाद का मतलब होता है कि ये जो समाज, हमारा जो समाज है, डीपी मुखर्जी भारतीय, उन्होंने हिस्ट्री से एमए किया, उन्होंने इकोनॉमिक्स से एमए किया, लेकिन क्या ये विषय उनको पूरी अच्छी प्रकार से संतुष्ट नहीं कर पाया। तो इसके लिए उन्होंने फिर क्या देखा कि वो समाज शास्त्र के, समाज उनको बहुत ज्यादा अपने ओर आकर्षित कर रहा था। तो वे देखते हैं कि समाज जो है, ये हमारा जो भारत वर्ष है, इसमें विविधताएं पड़ी है क्योंकि समय समय पर बहुत सारे राजा महाराजाओं ने आकर इसके ऊपर शासन किया। समय पे मुगल आए, उन्होंने शासन किया, उनकी जो छवि है वो भारतीय समाज पे स्थापित हो गई। उसके बाद फिर अंग्रेज आए, तो अंग्रेज से फिर हम लोग चाय पीना या फिर जींस पहनना, ये सब चीजों को हम लोगों ने ग्रहण किया। तो वे बताते हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा क्या होता है, वाद होता है, प्रतिवाद होता है, संवाद होता है। वाद, प्रतिवाद, संवाद का मतलब होता है कि हम कोई भी विचारक हो, कोई भी चीज को, टॉपिक को बताया, तो उसको किसी दूसरे विचारों को पसंद नहीं आया तो वो क्या करेगा, प्रतिवाद करेगा, उसका विरोध करेगा कि नहीं ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। मान लीजिए किसी ने समाज की परिभाषा दी, ठीक है, तो दूसरे कोई समाजशास्त्री को वो समाज की परिभाषा पसंद अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने फिर उसको अलग परिभाषा दी। तो इन दोनों के बीच जो फिर एक संवाद होगा, एक अलग कोई रूप निकलेगा कि अच्छा ठीक है, चलो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये दोनों को मिलाकर कुछ अलग परिभाषा बनता है, तो वो आ जाएगा संवाद के अंदर, जैसे कि द्वंद्वात्मक उपागम कहते हैं। और डीपी मुखर्जी जो है वह मार्क्सवादी परंपरा के अग्रदूत थे, वे द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक विचारधारा के प्रवर्तक थे, जिसके कारण उन्होंने, उनकी जो अवधारणा है वो होती है श्रुति, स्मृति और अनुभव। श्रुति का अर्थ होता है सुनना, स्मृति का अर्थ होता है कि दिमाग में रखना कोई वस्तु को, और अनुभव का अर्थ होता है कि खुद पे जो हम लोग वो चीज को प्रयोग करते हैं। तो वो क्या प्रयोग होगा, तो वो क्या हो जाएगा, श्रुति, स्मृति और अनुभव। जैसे उन्होंने बताया कि हम लोग प्राचीन काल से सुने आ रहे हैं या फिर हमारे वेदों में बोला गया है कि ब्राह्मण से मुख का, ब्राह्मण का जन्म होता है, पूजाओं से क्षत्रिय का, जांघों से शूद्र वैश्य का और चरण से शूद्र का। तो ये तो हम लोग देखे नहीं है, हम लोग क्या किए हैं, श्रुति किए हैं। इस चीज को फिर हम लोग स्मृति करेंगे, यानी हम लोग याद करेंगे, ठीक है, उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, अनुभव करेंगे। फिर समाज में जो जाति व्यवस्था, जाति प्रथा है, उसमें किस प्रकार से वर्गीकरण करा है, इसको हम लोग अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। तो डीपी मुखर्जी का जो था, उन्होंने पूरे तरह से समाज को बोला कि हमारे जो परंपराएं हैं, हमको परंपरा को लेकर चलना है, हम जो स्वयं है वो हम ही है जो परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप जो है, यहाँ मैं हूँ, तो क्या हुआ कि हम लोग क्या, हम लोग का एक अलग, सबका एक अलग अलग धर्म है, जाति है, रीति रिवाज है, संस्कृति है, उसको हम चला रहे थे। क्या हम, मैं खुद उसको जन्म लेकर पैदा हुई हूँ? नहीं, तो वो हमारे पूर्वजों से हमें मिला है, और हमारे बाद भी जो हमारे बच्चे होंगे उसको हम लोग वही परंपराओं को, वही रीति रिवाज को पहुंचाएंगे, और वो भी उसे आगे बढ़ाएंगे। तो क्या हुआ कि हम लोग परंपराओं को तो अपना रहे, साथ ही साथ हम लोग आधुनिकीकरण की जो भी प्रक्रिया उसको भी चला रहे। तो डीपी मुखर्जी का जो परंपराओं के अध्ययन का सिद्धांत था वो किससे प्रभावित था, हीगल के विचारों के द्वंद से और मार्क्स के भौतिक पदार्थों के द्वंद से प्रभावित होकर उन्होंने परंपरा एवं आधुनिकीकरण के विचार को प्रस्तुत किया। इसके संदर्भ में उन्होंने बताते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में डीपी मुखर्जी अत्रे ब्राह्मण ग्रंथ जो था उसमें उन्होंने चम्बेती चम्बेती यानी आगे बढ़ो की जो धारणा थे उसका उन्होंने उदाहरण दिया कि किस प्रकार से उसमें कहा गया है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे कार्य करना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो डीपी मुखर्जी का ये सिद्धांत था, आधुनिकीकरण का सिद्धांत था और परंपरा का सिद्धांत था, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा।
तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू। और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।